एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला आपको बताऊंगी। बारामूला के उड़ी इलाके से ताल्लुक रखने वाला मुख्तियार गिलानी सोया हुआ था घर पे। सोए सोए अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो कहता है आगे से कि मैं आर्मी का मेजर बोल रहा हूँ, तो मैं एक नंबर बताता हूँ, उसमें 2,000 रुपया ट्रांजेक्शन कर दो, और अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहां नेटवर्क नहीं है, तो बाद में मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। अब वो शख्स सोया हुआ था, नींद में था, तो उसको समझ ही नहीं आया कि क्यों, क्या, किसका कॉल आया। तो उसके बाद जब नींद खुली तो उसको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो उसने दोबारा उसे कॉल किया। उसने बोला हाँ बताइए। उसने बोला मैं आर्मी का मेजर बोल रहा हूँ और इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हूँ, तो आप इस नंबर पे ट्रांजेक्शन कर दीजिए। सब पूरा मामला आपको बताऊंगी क्या है, पहले ये वीडियो देखिए फिर उसके बाद। हाँ सर, आप एक नंबर दिया था, बोला इस पे 2,000 रुपये डालने के लिए। तो सर वो नंबर क्या दिया था आपने? दिया था एक नंबर, के नंबर था 9468001300। तो इसमें पैसा किसके नाम पे आ रहा है? नहीं, आर्मी मेजर आप आरआर से बोल रहे हैं ना? हेलो, आपने आरआर से बोल रहे हो? आपने अभी कॉल किया था मुझे कि मुझे मेरा नाम लेके किया था मख्तियार, आप 2,000 रुपये इसमें डाल दो, मैं कैश दे दूंगा, मैं ले से बोल रहा हूँ। तो अभी मैं वो डाल रहा था उस नंबर पे, तो वो नहीं जा रहा है पैसा। वो किस नाम से है वो नंबर? अरे भैया मत डालना, वो रॉन्ग नंबर है, वो आपको नहीं देना था, दूसरे बंदे को देना था। जी सर, तो आप कहाँ से बोल रहे हो सर? लाल चौक, लाल चौक से। लाल चौक से? अच्छा, लाल चौक से ही। ये कौन सी आ रहा है? नहीं, नहीं, कौन सी आर आर है? आर आर कौन सी है सर? ये देखो भाई, ये साइबर क्राइम है। ये एक बंदा मुझे कॉल कर रहा है, मैं सोया हुआ था, एक बंदा मुझे कॉल कर रहा है कि भाई मैं आर्मी मेजर बोल रहा हूँ। पहले कॉल किया इसने और डायरेक्ट मेरा नाम लिया, मेरा नाम लेके मुझे बता रहा है कि मुख्तार मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये डाल दो। तो मैं सोया हुआ था, तो सो के आदमी, आपको पता है कि मतलब आदमी एक मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाता है जल्दी उठने पे, और जल्दी एक कॉल आ रही थी। तो मैंने पैसा डालने की कोशिश भी की, मैंने सोचा हो सकता है कोई मेरा एम्प्लाइज हो, कोई ऐसा कि जिसको मुसीबत हो, और मैंने ऑलरेडी पैसा पे गूगल पे में डायल भी कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि नेट बंद होने की वजह से ये उसको पैसा नहीं जा पाया। तो फिर मैंने अपने मतलब थोड़ा दिमाग मेरा सेट हुआ, तो मैंने अपने से उसको कॉल करके पूछा कि सर आप कौन बोल रहे हो? जब उसने बोला मैं आर्मी मेजर बोल रहा हूँ और आरआर से बोल रहा हूँ और ले से बोल रहा हूँ। तो अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनी भी, ये लाल चौक से बता रहा है कि मैं लाल चौक से बोल रहा हूँ। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ मैं लाल चौक में, एसडीपीओ श्रीनगर को भी, लाल चौक जिनके अंडर पड़ता है उनको भी ये नंबर देता हूँ, और इस क्राइम का मतलब मैं जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ भी ये नंबर मैं शेयर करता हूँ। इसने एक नंबर दिया है, नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और इस बंदे का भी नंबर शेयर करता हूँ। इसने जो नंबर दिया है जिस पे पैसा डालने के लिए बोला था, 9468001300, ये इस नंबर पे पैसा डालने के लिए बोला था। और जो इसका अपना पर्सनल नंबर है, जो आर्मी मेजर बता रहा है, उसका नंबर है 9302344230। ये आर्मी मेजर करके बता रहा है कि मैं आर्मी मेजर हूँ। जब आर्मी मेजर का मैंने सुना तो मुझे एकदम, मैंने अपने आप को रोका कि आर्मी मेजर ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने इससे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन इस बंदे ने फोन डिस्कनेक्ट किया और रॉन्ग नंबर करके, और उसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऐसा लगाया है उसने। तो मैं ये आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी मेरा इस वीडियो को देखेगा वो ऐसे लोगों के जाल में ना फंसे,
क्योंकि ऐसे लोग अचानक आपको फोन करेंगे और बाय नेम आपको बताएंगे, जैसे आपको सदियों से जानते होंगे तो आपको नेम से पकारेंगे और आपको 2000 रुपया 3000 रुपया बोलने के लिए बोलेंगे कि 2000 रुपया 3000 रुपया मेरे इस अकाउंट में डाल दो, अकाउंट नंबर देंगे, ये आपको अकाउंट नंबर देंगे, फोन पे नंबर देंगे। तो प्लीज इस साइबर क्राइम से बचो और जब तक ये कंफर्म नहीं करो कि कौन आदमी है या कहां से है या आपको जानने वाला है, उसके उससे पहले कोई भी पैसा मत ट्रांसफर करो। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, आर्मी मेजर बन के इंडियन आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। जब आर्मी मेजर बोला गया तो मैं इस चीज को बहुत गहराई से जानता हूं कि भाई एक आर्मी मेजर होके वो ऐसे कॉल कैसे करेगा और मुझे ये बताता है कि मैं, तू मेरी यूनिट का बंदा नहीं है। तो मैंने इससे मैंने बोला कि सर आप कहां से बोल रहे हो, मैं सर सर करके बात किया इसको पहले, लेकिन जब इसने देखा कि ये बंदा पकड़ रहा है और इसने फोन डिस्कनेक्ट किया तो अभी फिर मैं इसको कॉल लगाऊंगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से साइबर क्राइम की हद पार हो चुकी है कि किसी का भी नाम लेके किसी भी डेजिग्नेशन को बता के आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाएगी, पर आपको उस फ्रॉड का शिकार नहीं होना है। और इनके साथ भी यही हुआ कि आर्मी का मेजर बताया गया खुद को ताकि 2000 रुपया या उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दे। और इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं, कुछ भी किसी का भी नाम ले लेंगे, कोई भी डेजिग्नेशन बता देंगे, कोई भी एरिया बता देंगे, पर आपको किसी भी फ्रॉड का शिकार नहीं होना है। और ये जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है इसके चंगुल में आपको नहीं आना है। तो आपकी अवेयरनेस के लिए छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखिए, एहतियात बरतिए।